हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं कैशलेस मास्टर। सो फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने इधर पीछे के टी एम ड्यूक 125 ली है, जो कि VCS 6 है, 2020 का मॉडल है। सो मैं पूरा बताऊँगा कि मैंने कितने में लिया है और इसके बारे में मैं पूरा एकदम अभी रात को इस समय मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कल दिन में मैं उसका एक ब्लॉगिंग जरूर करूँगा यूट्यूब पर। सो फाइनली बने रहिए मेरे इस वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर और करें ऑन करें। ऊपर आपको आई बटन पे मेरी पुरानी वीडियोस दिख रही होगी जिसमें कि मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है, सो आप फाइनली उसको ऊपर यहाँ पे जरूर देख लें। सो फ्रेंड्स, चलिए अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा कहना ये है कि KTM मैंने लिया है, कुल मिलाकर मुझे 1,60,000 में पड़ा है, जो कि 2020 मैंने दो दिन पहले लिया है, जस्ट परसों नाइट को लिया, यानी कि आज हो गया हमारा 8 तारीख यानी 6 तारीख की शाम को मैंने लिया था। सो उसके साथ मुझे सिर्फ हेलमेट वगैरह सब अलग से परचेज़ करना पड़ा। मैं हेलमेट का भी एक वीडियो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ बना दिया मैंने। सो फ्रेंड्स, मुझे यही है कि और बाइक चलाने बहुत स्मूथ लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसका पिक आपको यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा कि पेटीएम में फ्रॉड कैसे हुआ मेरे साथ, वो सब जरूर देख ले, वीडियो आई बटन पे आपको जरूर दिखेगा, और फोनपे वॉलेट का भी एक्टिवेशन का भी यहाँ पे आई बटन पे आपको जरूर वीडियो दिखेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मेरी बाइक देख लेते हैं एक बार। सो उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा, कैमरा स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने KTM बाइक ली है, तो KTM बाइक की चाबी ये रही कुछ इस प्रकार है, मैंने इसके पीछे ये लगवाए हैं। सो बता दूं मैं आपको, ये मैं नाइट है इस वजह से मैं नीचे जाकर आपको मेरे पार्किंग में नहीं बता सकता। सो मैं कल 110% जरूर बताऊँगा फ्रेंड्स, ये देखिए। सो आपको मैं इसका एक वो भी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी एक ये रही इसकी पिक जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, KTM 125 लग रही है, देख लीजिए मतलब सॉरी। उसके बाद मैं ये दिन में मैंने एक पिक ली थी, मैंने इसके ऊपर वो भी बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। और ये जो है लाल दरवाज़ा जो मैंने लिया था, ये KTM लाल दरवाज़ा है अहमदाबाद से। सो वहाँ पर जो है अमीन बजाज ऑटो मोबाइल्स है, वहाँ पर ऐसे मैंने इस KTM को परचेज़ किया था, जो कि ये मैनेजर है वहाँ के। सो उन्होंने ये फ़ोटो वगैरह शूट की थी हम लोगों ने। सो मैं ना आपको कल अगले वीडियो में मैं आपको 110% पूरी बाइक के फीचर्स के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बस ये छोटा सा एक रिव्यू था मेरा, मैं बाइक लाइव नहीं दिखा पाया सॉरी फ्रेंड्स इस वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में 110% जरूर दिखाऊंगा, बिकॉज नाइट है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और स्पेशली सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।